गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन ब्यूटीफुल एंड हेल्दी लाइक ऑलवेज। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मेलबर्न में अब 10 किलोमीटर रेडियस की रेंज जो है वो खुल चुकी है। तो रेडियस में 10 किलोमीटर में हम लोग कहीं पे भी वॉक, एक्सरसाइज, पार्क वगैरह जा सकते हैं। केसेज आर स्टिल हाई बट अब अगर 70% वैक्सीनेटेड एक बार हो जाएगा अगर विक्टोरिया तो काफ़ी जल्दी खुल जाने के चांसेस हैं। और अभी फिलहाल 50% हुए हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड, सो कांट वेट कि कब ये 70% पूरे वैक्सीनेटेड हो और मेलबर्न फिर से ओपन अप हो जाए। तो आज चलते हैं हमारे घर के 10 किलोमीटर के रेडियस के बीच में ही बहुत सुंदर एक बीच है, तो अगर बीच में हम लोग वॉक करने जा रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को साथ में लेके चलती हूँ। गाइस अब जल्दी से अंदर जाके मेरे को चाय ब्रेकफास्ट करना है, सो आफ्टर टी एंड ब्रेकफास्ट वी विल गो टू बीच। तो यहाँ बन रही है चाय और मैं जल्दी से मेरे और नवे के लिए बना रही हूँ ओट्स। और मैं ओट्स में अपने में ज़्यादा डालती हूँ ये किनुआ फ्लेक्स ओट्स, इसमें कुछ ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं लगता। और इसमें एक चम्मच में डालती हूँ अपने क्विक ओट्स और नवे के सारे क्विक ओट्स। मैं खाली फ्रूट्स ऐड करती हूँ, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, व्हाटएवर फ्रूट्स आई हैव। लिटिल बिट क्रंच के लिए आई यूज़ दिस ग्लूटेन फ्री नरी क्लस्टर एंड इट्स ऑसम। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा और थोड़ा सा स्वीट भी है तो पता नहीं लगता, एक्स्ट्रा स्वीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वी हैड यम्मी ब्रेकफास्ट, वी ऑल सेट टू गो। नवे की आँख में सनस्क्रीन चला गया, इज इट अ बर्निंग? ओह नो, यू फीलिंग ऑल राइट? जाना है नहीं जाना? जाना है, जाना तो कितने भी दुख दर्द में बीच के नाम पे तो ऑलरेडी। एंड आई एम सो ग्लैड कि नव्या ओट्स खा लेती है आराम से, बहुत गुड बेबी है। गुड बेबी हो? शो मी। नव्या गॉट वाटर बॉटल, इट गॉट मिस्ड इन इट। हाँ फर्स्ट यू पुट द अप। ओह इट्स अ वेरी कूल बॉटल ना, कैन यू शो मी? So guys, if you want this kind of a water bottle for your kids, anyone, it's really good for summer. काफ़ी अच्छा रहता है इसका जो वो निकलता है, बहुत ही एकदम मिस्टी है, बहुत लाइट सा वाटर निकलता है, बट kids बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड शी लव्स इट। जब से बॉटल आई है सिर्फ यही बॉटल यूज़ कर रही है। एंड यू कैन गेट द सेम बॉटल फ्रॉम स्मिगल। और जैसा मैंने कहा था हमारे घर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो एज यू गाइस कैन सी हमने फ्रंट पे पिलर्स हैं वो चेंज करवा रहे हैं। तो हम जो टाइल्स थी उसका कुछ ऐसा वाला प्रिंट जो अब है, अब हम लोग वो करवाने वाले हैं। जो प्रीवियस टाइल्स थी वो हमें पसंद नहीं थी और उसके लिए ये स्टैक लैडर लगाई है। और अभी तो पुराने टाइल से निकाल के इसके ऊपर हमने वो करवा लिए कोटिंग, अब इसके ऊपर बस अब जल्दी से लगने वाली है टाइल्स। और ये हमारे पिलर्स पे, फ्रंट पिलर्स पे कब से लग जाने चाहिए थे टाइल्स, बट मेलबर्न में चल रही है स्ट्राइक, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सबकी स्ट्राइक है तो वो लोग आए नहीं टाइल वर्क करने के लिए। अब मुझे लगता नहीं कब आएंगे क्योंकि कब से हमारे यहाँ पे स्काफोल्ड वाली लैडर लगी हुई है और अब लगता है जल्दी से काम ख़त्म हो तो अच्छा है। और बीच में ये जब हो रहा था काम उसके बीच में मेलबर्न में अर्थक्वेक भी आया था, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेलबर्न से वीडियो देखते हैं और आप लोगों ने अर्थक्वेक को फील किया था और उस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग जब अर्थक्वेक आया था तो मैं तो आराम से बैठ के चाय पी रही थी, नव्या सो रही थी, मैं और आशीष आराम से बैठ के चाय पी रही थी और मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ हिला। एंड आशीष वॉज लाइक शायद चक्कर आ रहे होंगे, यू आर ऑन डाइट एंड ऑल, तू फालतू डाइट करती रहती है ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं इट वॉज अर्थक्वेक और सिक्स मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। लकीली कहीं पे कोई क्रैक वगैरह कुछ नहीं आया। सदियों बाद मेरी गाड़ी निकल रही है, लॉकडाउन में हिली भी नहीं थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गई है और अब समर आने वाले हैं, बट एक ही ड्रॉबैक होता है स्प्रिंग का, वो है हे फीवर। आप में से कितने लोगों का हे फीवर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे कई सीजन तो नहीं हुआ बट इस साल लग रहा है क्योंकि इम्यूनिटी भी लगता है बहुत ज़्यादा लो गई है घर में रह रहे के। तो आई फील अंडर आइस में मतलब इचीनेस और मतलब ड्राई स्किन और इरीटेशन होने लगती है हे फीवर की वजह से, और आशीष को तो सीवियर हे फीवर होता है।
तो हम दोनों ही घर से अभी टेलफास्ट जिंदाबाद अपनी हे फीवर की मेडिसिन लेके निकले हैं और अब जाएंगे वॉक पे। मैं अपने घर के ही पजामे वगैरह में हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बस आई डोंट केयर। और इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ लॉकडाउन में, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा बिजी भी रहने लग गए हैं अपने बिजनेस में। और मुझे लग रहा है कि जितनी आप लोग व्यूज़ देख रहे हो पर सब्सक्राइबर नंबर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब मैंने सोचा है कि सब्सक्राइबर नंबर एक बार इंक्रीज़ होंगे ना फिर मैं वीक में 2 या 3 वीडियो बनाऊँगी। जब तक आप अभी एक दो वीक तक एक या दो वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगी, पर हाँ मेरा वीकली टारगेट रहेगा कि मैं एवरी ट्यूजडे एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर अपलोड करूँ। सर आपको मेलबर्न सीबीडी दिखाई दे रही है, देखो लॉकडाउन कब खत्म होता है और कब हम लोग सिटी के कैफेज पब्स वगैरह सब कुछ इंजॉय कर पाएंगे। एंड वी आर अबाउट टू रीच टू बीच। इससे अच्छे पार्किंग भी मिल सकती थी हमें, लाइक लास्ट स्पॉट ऑफ पार्किंग। Yes, we are at beach now. Navya. Aha. Setu. ज़्यादा चला गया ना व्या, है ना? क्या हमारा बीच पे बहुत अच्छा वॉक, ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर्स तक हम लोगों ने वॉक किया। और आज दिखा रहा था कि विंड नहीं होगी, पर हाँ विंड थी और ठंड भी थी और मुझे लगता बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। जैसे आपको लग रहा है कि लॉकडाउन है और यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, मेरे को आज ऐसा लगा यहाँ पर वॉक करके कि भैया सभी लोग बाहर थे, तो हम लोग बीच पे नहीं गए थे, हम बीच के साइड में वॉक कर रहे थे और मुझे सेफ नहीं लगा वहाँ पे नव्या को कुछ भी खिलाना पिलाना, तो हम लोग वहाँ से निकल आए वॉक करके और अब नव्या की फेवरेट आइसक्रीम शॉप पे जा रहे हैं, दैट इज स्प्रिंकल। सो बस अब जल्दी से चलते हैं स्प्रिंकल आइसक्रीम शॉप पे। एंड आई रियली लाइक दैट आइसक्रीम शॉप बिकॉज वो वीगन है, उसमें किसी में भी जिलेटिन वगैरह नहीं है आइसक्रीम में, तो नव्या को इसीलिए मैं मना नहीं करती वाली आइसक्रीम खाने के लिए। बस वहाँ पे चलते हैं और खूब सारे फ्लेवर्स है, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं वहाँ पे जल्दी से और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से और कितने ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। लाइन देखो आइसक्रीम शॉप के अंदर, करना है वेट इतनी ज़्यादा भीड़ आइसक्रीम खाने के लिए यार। और यहाँ पे हैप्पी डांस हो रहा है, ये एक्चुअली तो ये हैप्पी आइसक्रीम डांस है। वहाँ पर आइसक्रीम शॉप के बाहर बहुत अच्छे स्पीकर्स पे लाउड म्यूज़िक बज रहा था और यहाँ पर नव्या अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, जहाँ म्यूज़िक उसको सुनाई दे जाता है वहीं पर वो शुरू हो जाती है। Cheers, Navya. You. So
वी आर बैक एट होम और घर के पास वाले पार्क में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। नव्या भूखे ये बहुत ज़्यादा टायर्ड, उसका मन तो था कि मैं इसको घर के पास वाले पार्क में लेके जाऊँ, बट आई डोंट थिंक सो अभी पॉसिबल होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ है। यू हैड फन? हाँ, मज़ा आया आइसक्रीम खा के? इज इट अ फेवरेट शॉप? टू स्कूप? तुमको टू स्कूप चाहिए था? नो। तो वन स्कूप। वन स्कूप गुंडू, चलो उतरो। एंड दिस इज माय न्यू कॉफी कॉर्नर। मैं इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहती हूँ, कभी मैं वो केक स्टैंड के ऊपर सारा कुछ कॉफी स्टैंड बनाती हूँ, कभी ये रैबिट वाली ट्रे मैंने ईस्टर पे ली थी इसके अंदर सब कुछ अभी मैंने सेट किया हुआ है। तो आज मैं पीती हूँ ये वाली, और ये जो ग्रीन डॉट वाले हैं ये सारे स्टारबक्स के कॉफ़ी हैं, और ये वुलवर्ट्स में स्पेशल पे लगे थे तब मैंने लिए थे, और आई थिंक मैं इसका प्राइस भूल गई बट प्रीटी मच ये 30% ऑफ पे लगे हुए थे स्टारबक्स वाले, सो इट वाज अ क्वाइट गुड डील। और अभी तो मैं ये नेस्प्रेसो वाला ही अपने ले रही हूँ। कहीं भी जाओ कॉफ़ी का मज़ा घर पर ही है। कैपुचिनो देखो मेरा कैफे आर्ट, आई लव यू कॉफी कॉर्नर। सो गए हमारी कॉफी और अच्छा सा टाइम स्पेंड किया आज हमने बीच पे, बहुत अच्छा लगा। नव्या के लिए भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था, बच्चे बहुत मुश्किल है इस लॉकडाउन में उनको एंटरटेन रखना घर के अंदर पूरा टाइम, और प्लस ये वेदर भी बहुत अच्छे से फेवर नहीं करता। मेलबर्न का वेदर पता नहीं क्या हुआ है, इस बार मुश्किल से कभी कभी सन दिखाई दे रहा है। जनरली सितंबर तक कई दिन स्प्रिंग में अच्छे होने लगते हैं, अब लगता है 15 दिन में एक दिन अच्छा आता है। तो जिस दिन भी अच्छा सन होता है मैंने और आशीष ने डिसाइड किया वी वॉन्ट मिस इट आउट, और हम नव्या के साथ वो पूरा दिन स्पेंड करेंगे। लकीली हमारा ऐसा है कि वी कैन मैनेज वर्क अकॉर्डिंग टू नव्या, तो हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे जिस दिन भी अच्छा वेदर हो नव्या को हम पूरा टाइम दे अटेंशन दे। और आशीष ने डिसाइड किया है जिस दिन भी अगर सनी डे है तो हम लोग नव्या को मस्त कुछ एंटरटेन करेंगे, उसे कोई अच्छी एक्टिविटी कराएंगे, बीच या कोई अच्छे पार्क में लेके जाएंगे, बिकॉज जितने भी दिन सन निकलता है अभी स्प्रिंग में उसका पूरा पूरा मजा लेंगे। पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं घर के बाहर वाले पार्क पे भी नहीं गई, और बीच पे भी बड़ा बच बच के हम लोगों ने वॉक करी है। आई होप जल्दी चीज़ें ठीक होने लगे और मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छे अच्छे पार्क और अच्छी अच्छी चीज़ें मेलबर्न के बारे में दिखा सकूँ, और मेलबर्न के बाहर भी शायद। अभी तो कैसे रिस्ट्रिक्शन खुलते हैं वी डोंट नो, और ट्रैवलिंग कब तक अलाउ होती है आई थिंक दिसंबर जनवरी, डोंट नो। अभी तो कुछ लगता है कि कुछ भी नहीं पता, जब तक विल सी कैसे जाता है टाइम, हफ्ते दो हफ्ते में पता लगेगा क्या सीन चल रहा है। बट हाँ, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ और आप लोगों को अच्छी सी खूब सारी चीज़ें दिखाती रहूँ। और अगर गाइज आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक आज देख लिया है, और अगर आप लोगों को मेरे ये छोटे से कुछ रॉ ब्लॉग्स, अगर आप लोगों को मेरे रॉ ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई सी वेरी सून अनदर ब्लॉग। बाय बाय।